आईडीएफसी लिमिटेड, क्या हमें इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? क्या फ्यूचर होने वाला है इस बिजनेस का? सर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के अंदर क्या टारगेट अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं? डिटेल में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आईडीएफसी लिमिटेड के हम आपके साथ करने वाले हैं। माय नेम इज उत्कर्ष शर्मा, दिस इज मार्केट प्राइम। और आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं करा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मार्केट प्राइम फैमिली मेंबर बन जाइए। आप हमारे को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंट्राडे कॉल लाइव मार्केट अपडेट इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पज के हिसाब से हम आपके साथ शेयर करते हैं, लगे यूजफुल तो आप कंसीडर कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस है 41.95 का आईडीएफसी लिमिटेड का। अगर हम आपसे वन मंथ रिटर्न की बात करें, 12.46% के पॉजिटिव रिटर्न आईडीएफसी लिमिटेड हमें दे चुका है। वन ईयर के अंदर 13.37% के पॉजिटिव रिटर्न आईडीएफसी लिमिटेड ने दे दिए हैं और फाइव ईयर के अंदर 1.57% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं आईडीएफसी लिमिटेड ने। लेकिन ये जो रिटर्न इसने फाइव ईयर के अंदर दिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। आगे और डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या प्राइस फॉरकास्टिंग होने वाली है, क्या टारगेट अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो इसने ब्रेकआउट दिया है क्या ये उसको सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर हम आपसे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, 6,697 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक का हाई था 46.2 का और 52 वीक का लो था 13.2 का। बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बुक वैल्यू 52.6 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.74% का नेगेटिव के अंदर और रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.5% का नेगेटिव के अंदर। फाइव ईयर्स का भी आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख पा रहे होंगे। आईडीएफसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अगर हम आपसे पी रेशो की बात करें, 6.73 का नेगेटिव के अंदर है। प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.80 के। डिविडेंड यील्ड है 7.51% का और सेक्टर पी है 28.19 का और सेक्टर पीबी 2.44 का। तो आप देख पा रहे होंगे पी रेशो इनका नेगेटिव के अंदर है। अगर हम आपसे सेल्स की बात करें आईडीएफसी लिमिटेड की मार्च 2019 की, तो मार्च 2019 के अंदर 356 करोड़ की सेल्स थी। उसके बाद मार्च 2020 के अंदर हमें सेल्स के अंदर गिरावट देखने को मिली थी और 342 करोड़ की सेल्स थी मार्च 2020 के अंदर, और प्रेजेंट ईयर के अंदर है 340 करोड़ की। अगर हम आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, नेगेटिव के अंदर 844 का मार्च 2019 के अंदर था, मार्च 2020 के अंदर 913 का नेगेटिव के अंदर था और प्रेजेंट ईयर के अंदर है 690 का नेगेटिव के अंदर। अगर हम आपसे नेट प्रॉफिट की बात करें मार्च 2019 की, 839 का नेट प्रॉफिट था इनका नेगेटिव के अंदर मार्च 2019 का, और मार्च 2020 के अंदर भी 995 का नेगेटिव के अंदर था और प्रेजेंट ईयर के अंदर है 755 का नेगेटिव के अंदर। तो सर, क्या अभी हमें इस प्राइस पे इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ये हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता? आगे टेक्निकल एनालिसिस में हम आपको टारगेट भी बताने वाले हैं। अगर हम आपसे शेयर कैपिटल की बात करें, 1596 का इनका शेयर कैपिटल है। टोटल रिजर्व एंड सरप्लस है 7,659 करोड़ के, वो मार्च 2019 के अंदर थे 8,000 करोड़ के, जो अभी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम आपसे नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें ना, मार्च 2019 के अंदर थी 33.74 करोड़ की और मार्च 2020 के अंदर थी 31.62 करोड़ की। आप देख पा रहे होंगे, अगर हम आपसे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें आईडीएफसी लिमिटेड की, मार्च 2019 के अंदर थी 3,418 करोड़ की और मार्च 2020 के अंदर वो नेगेटिव के अंदर थी 1,206 की। नेट कैश फ्लो भी आप देख पा रहे होंगे, मार्च 2019 के अंदर 157 का नेगेटिव के अंदर था और मार्च 2020 के अंदर 528 करोड़ का इनका नेट कैश फ्लो था। फाइनेंशियल ट्रेंड भी आप देख पा रहे होंगे। अगर हम आपसे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर बात करें, काफ़ी अट्रैक्टिव शेयर होल्डिंग पैटर्न है, काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। FIIs की होल्डिंग है 29.67% की, DIIs की होल्डिंग है 36.26% की। DIIs ने अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर से अभी कम करा है। अगर हम आपसे बैंक्स की बात करें, 0.48 की इनकी करंट में होल्डिंग है, बैंक्स ने भी अपनी होल्डिंग को इस स्टॉक के अंदर से कम करा है। और इंश्योरेंस की है 2.1% की, म्यूचुअल फंड है
4.91% का और अदर है 34.05% के। आप देख पा रहे होंगे किस किस म्यूचुअल फंड ने कितनी होल्डिंग ले रखी है, हमने आपके यहाँ पे लगा रखा है। अगर हम आपसे मैनेजमेंट की बात करें आईडीएफसी लिमिटेड का, काफी काफी अच्छा मैनेजमेंट है आईडीएफसी लिमिटेड का। अगर हम आपसे चार्ट पे बात करें 26 अक्टूबर 2019 को आईडीएफसी हाई बना रहा था 71 का, उसके बाद हमें इस स्टॉक के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी और ये इसी प्राइस के बीच में घूम रहा था। और मार्च 2019 के अंदर इस स्टॉक ने लो बनाया था 46.3 का, जो अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस पे भी चल रहा था। ये उस टाइम पे इसने हाई भी बनाया था 46 का और इसका 52 वीक का हाई भी है 46 का ही। उसके बाद हमें इस स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी 24 मार्च 2020 को और स्टॉक ने लो बना दिया था 13.25 का। सर अगर आपने इस प्राइस पे इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मार्केट की कंडीशन देखते हुए ना, आपको 50% से लेकर 60% तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं, आगे हम आपको बताने वाले हैं किस प्राइस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम आपसे 15 सितंबर 2020 की बात करें ना, उस टाइम पे स्टॉक ने हाई बना दिया था 34.75 का। उसके बाद स्टॉक के अंदर काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट भी हुआ था और इसने काफ़ी अच्छा सस्टेन भी करा था। अगर हम आपसे 24 नवंबर 2020 की बात करें ना, उस टाइम पे भी स्टॉक हाई बना रहा था 45 का। आप देख पा रहे होंगे 45 के हाई के बाद भी कंटिन्यू इसी रेंज के अंदर स्टॉक घूम रहा है। अप रैली भी इसने दी थी लेकिन उस ब्रेकआउट को, जिसका ब्रेकआउट था, उसको सस्टेन नहीं कर पाया था। अगर ये स्टॉक जैसे ही 49 के लेवल को ब्रेक करता है ना, इस स्टॉक के अंदर हमें 65 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको हमसे कोई शिकायत करनी हो या वीडियो में कुछ पसंद आए हो ना, हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। आईडीएफसी लिमिटेड की दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।